22 वर्ष से लापता पिता को कोठारी उनके घर पहुंचाया गया। कोठारी तहसील बल्लारपुर निवासी राजाराम पोचूजी बोनगिरवार, उम्र 41 वर्ष, यह गृहस्थ 1998 वर्ष में अचानक लापता हुए। उनकी तलाश करने के बावजूद भी उनकी तलाश की गई। पुलिस स्टेशन कोठारी में लापता होने संबंध रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस और परिवार की तलाश के बाद भी राजाराम नहीं मिले। ऐसे में 8 दिन पूर्व ही कोलकाता कॉकद्वीप के निवासी अमरीश नाग विश्वास, इनका कोठारी थानेदार संतोष अंबिके इनके साथ संपर्क हुआ और अमरीश विश्वास ने थानेदार इन्हें बताया कि मकर संक्रांति सम्मेलन में गंगा सागर में एक वृद्ध व्यक्ति बीमार उन्हें मिला। इस वृद्ध से पूछताछ करने पर वह वृद्ध केवल कोठारी इतना ही बता रहा था। इंटरनेट द्वारा जानकारी लेने पर कोठारी संबंध जानकारी मिली। ऐसी जानकारी से थानेदार पुलिस स्टेशन कोठारी ने पुलिस के नज़र से इस मामले की गंभीरता को ध्यान में लेते पुराने रिकॉर्ड तलाश किए। 1998 में लापता हुए राजाराम बोनगिनवार, यह लापता होने का उन्हें पता चला, तभी थानेदार ने अमरीश विश्वास इन्हें जानकारी दी। सभी जांच के बाद उक्त व्यक्ति राजाराम बोनगिनवार है, यह स्पष्ट हुआ। उक्त मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक इन्हें मिलते ही तत्काल पुलिस पथक कोलकाता में रवाना हुआ। कोलकाता में जांच पथक पहुंचते ही राजाराम बोनगिनवार इन्हें पुलिस ने 3 फरवरी को चंद्रपुर में लाया। मानसिक अस्वस्थता से राजाराम बोनगिनवार यह पिछले 22 वर्ष से अपना घर संसार छोड़कर भटक रहे थे। आखिर 22 वर्ष के बाद पुलिस अधीक्षक इनकी उपस्थिति में पुष्पगुच्छ और शॉल श्रीफल देकर राजाराम इन्हें 3 फरवरी को शाम उनके रिश्तेदारों की ओर सुपुर्द किया गया। तभी उनके परिवार वालों की आंखें नम हुई। 22 वर्ष के बाद घर की व्यक्ति फिर मिल जाने पर बोनगिरवार परिवार में खुशी का माहौल है। उक्त उत्कृष्ट कारीगिरी पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी इनके मार्गदर्शन में शेखर देशमुख, उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजू रैन के नेतृत्व में पुलिस हवालदार श्यामराव पुलगमकर, पुलिस सिपाही विनोद निखाड़े ने की। 47 में कोठारी पुलिस स्टेशन में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी और उस कंप्लेंट में 41 ईयर्स का राजाराव बोनगिनवार मिसिंग है बोल के वैसे कंप्लेंट आई थी। वैसा कंप्लेंट हमने मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हम कुछ साल उसके लिए देखे, फिर कहीं पे मिली नहीं, घर वाले भी देखा कहीं पे मिली नहीं। उसके ऊपर हमने पूरा विश्वास चले गए थे और दोनों पुलिस और उसका घर वाले भी उसका शोध करना बंद किए थे। और अचानक में इस महासंक्रांति पे कोलकाता में बड़ा उत्सव होता है और बड़ा उत्सव में राजाराव वहाँ पे बेहोश पड़े थे। बेहोश पड़ने के बाद वहाँ का आदमी अम्बरीश राय विश्वास, ये आदमी अमेच्योर हैम रेडियो एसोसिएशन चलाता है और वो आदमी ने इनको हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद राजाराव सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, कोठारी। कोठारी के बारे पे उसने अम्बरीश ने फिर इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद कोठारी बोल के एक पुलिस स्टेशन है बोल के उसको समझ में आया। फिर कोठारी का थानेदार का नंबर भी इंटरनेट में मिला। मिलने के बाद उसका पूछा गया, इस उम्र का ये आदमी मिला है, आपके पास कुछ रिकॉर्ड है क्या? फिर पूरा रिकॉर्ड उसने अपने थानेदार अंबिके ने पूरा रिकॉर्ड सर्च किया। सर्च करने के बाद उसको समझ में आया, इस उम्र का 2-3 नाम उसको हैंड ओवर किए। 2-3 नाम हैंड ओवर करने के बाद जैसे ही इसका राजाराव और बोनगिनवार का नाम बताया, हाँ वही नाम है बोल के उसने थोड़ा नॉट करने की वजह से हमें समझ में आया। समझ में आने के बाद यहाँ से उसको छोटा लड़का उनको और हमारा पुलिस टीम कोलकाता तक पहुँची। कोलकाता से पहुँच के राजाराव बोनगिनवार को वापस इतने 22 साल के बाद हम वापस चंद्रपुर में लेके आया और उसका घर वालों को मिलाया और हमें पूरा बहुत आनंद होता है उसका घर वाले को मिलाने में। हम चंद्रपुर पुलिस भी एक पार्ट लिया है, उसका बहुत आनंद होता है और चंद्रपुर पुलिस का तरफ से भी चंद्रपुर में उसका वापस स्वागत करना चाहते हैं। जे यातना भोगलो आम्ही 22 वर्षामध्ये, जे आमचे वडील नव्हते की वडिलाचं जे पितृछाया जे पाहिजे होती लहानपणापासून ते नाही मिळाली, परंतु आज 20-21 वर्षानंतर आमचे वडील आमच्याजवळ, जे आम्हाला माहीत झालं की ते आहेत। आणि कोठारी पोलीस स्टेशन यांनी सांगितलं की या तुमचे वडील आहेत अशा अशा प्रकारे इथे इथे आहेत, त्यासाठी मग त्यांनी तिथून कोठारी पोलीस स्टेशनमधून एक टीम आणि माझे एक लहान भाऊ हे तिकडे कलकत्त्यासाठी मग रवाना झाले। आणि त्यांनी तिथून आणलं असं म्हणजे असं कधी विचारच नव्हता केला होता स्वप्नामध्ये पण, की आपले वडील म्हणजे आत्तासुद्धा असतील, कारण की जेमतेम 20 वर्षाचा कार्यकाळ झाला होता। आम्ही जेमतेम तेव्हा 13-14 वर्षाचे होतो
आम्ही असं कधी स्वप्नात सुद्धा नाही वाटलं की आपले वडील म्हणजे येईल राहील, आपल्याला मिळेल परत पुन्हा आपल्या वडिलाचा चेहरा लक्षात येईल आपण जे पाहिला होता. तर अशा प्रकारे आता जी बिकट परिस्थिती जी झाली ते लई भारी आहे. आज जर ती गोष्ट पूर्ण सांगायला गेलं तर डोळ्यातून अश्रू येते, कारण जे घडलं आहे जे आम्ही आमच्या वयामध्ये जे बघितलं आहे की आम्हाला काय झालं, काय त्रास झाला, मानसिक त्रास, ते खरोखरच आमच्यासाठी एक प्रकारचं एक यातना जे मंत्र भोगावं लागते ते यातना भोगल्या. परंतु त्या सर्व यातनेवर मात झाली, माझे वडील मिळाले. या पोलिसांचे सुद्धा आभार मानतो मी की त्यांनी जे सहकार्य केलं, त्यांनी आमच्यासाठी जाऊन तिथून सुखरूप आणून दिले, यासाठी मी त्यांचं मनापासून खूप खूप आभार मानतो. आई 20-22 साल के पहले हमारे चाचा जी गुम गए थे. उसकी रिपोर्ट दर्ज कोठारी पुलिस स्टेशन में थी और अब 20-22 साल के बाद में एक मैसेज आया कोठारी पुलिस स्टेशन से कि आपके जो चाचा जी हैं, यानी कि मेरे चाचा जी सुनील के पापा, सुनील को मैसेज आया था. सुनील ने मेरे को बताया पापा जी वेस्ट बंगाल में है करके पता चला. तो उसके बाद में कोठारी की टीम जाने की तैयारी की, उनके साथ में मैं भी गया और वहाँ का जो एक्सपीरियंस आया है मैं शेयर करना चाहता हूँ. वेस्ट बंगाल में जब हम गए थे, वेस्ट बंगाल में पता चला कि वेस्ट बंगाल की जो रेडियो, वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब करके एक एनजीओ का काम करने वाले जो विश्वास सर हैं, पहले उनसे हमारी मुलाकात हुई. बाद में उन्हें जो सिचुएशन है, जिस हालत में वहाँ पे एक मेले में गिर के मिले थे, बाद में उसको उठा के वहाँ के हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती कराया. उसके बाद में थोड़ा सा होश आया और उन हमारे चाचा ने ये घर का पता बोल दिया और उसके आधार पर बाद में उन्होंने कोठारी पुलिस स्टेशन को मैसेज दिया और वो मैसेज लेके कोठारी पुलिस स्टेशन के जो पुलगम करकर सर और निखाड़े सर, ये हमारे साथ वेस्ट बंगाल में आए थे. वहाँ बाद में हम वहाँ पे गए और सुप्रीडेंट से मिले. सुप्रीडेंट से मिलके जो सुप्रीडेंट ने बात कही कि उनका जो दिमागी हालत है थोड़ा अभी भी कमज़ोर है. कभी कभी जैसे कि गजनी में होता है, कभी याद आता है, कभी याद नहीं आता. जब याद आता है तो सही सही बात बोल देते हैं और जब याद नहीं आता है, जब याद आने की ऐसी नकल मारते हैं कि कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं. लेकिन जैसे भी हो, आज इतने बरस के बाद में हमारे चाचा जी हमको मिले तो इससे बड़ी तो खुशी हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती. क्योंकि इतने साल के बाद इंतज़ार में थे बच्चे लोग, हम भी इंतज़ार में थे कि चाचा जी गए तो कहाँ गए, जब मिले तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं. और हम सबसे अब यही बोलना चाहूँगा कि जो वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब के जो विश्वास सर हैं उनका शुक्रगुजार तहे दिल से करना चाहूँगा. और हमारी महाराष्ट्र पुलिस सेना उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार.